उनके एक मजदूर परिवार ने अपनी बेटी की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा मिली सहायता राशि से कुछ राशि मंदिर में दान करके एक नवाचार कर दिखाया जो आने वाले समय में हर किसी के लिए प्रेरणादायी बन सकता है। कहते हैं यदि किसी का दिल साफ हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है और दान हमेशा खुले दिल वाला इंसान ही कर सकता है। इन दोनों बातों को सार्थक करने का काम उनके एक गरीब मजदूर परिवार ने कर दिखाया है। ग्राम के मजदूर हगरू वर्मा ने सरकार द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद संबल योजना के तहत मिली 2 लाख की सहायता राशि में से 25,000 रुपए की राशि संतोषी माता मंदिर के लिए दान किए हैं। मजदूर परिवार का कहना है कि उनकी पुत्री का संतोषी माता की अनन्य उपासक थी तथा उसका 1.5 वर्ष पूर्व आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने संबल योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया था, जिसकी राशि उन्हें मिली है। उस राशि में से कुछ राशि उन्होंने मंदिर में दान की है तथा वे अपनी बेटी की स्मृति में किए इस काम से बेहद खुश हैं। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। दान के लिए नियत और मन दोनों साफ होना चाहिए। ग्राम के एक मजदूर परिवार के एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की स्मृति में सरकार की ओर से जो सहायता प्राप्त हुई थी उसमें से कुछ राशि उनके देवी श्री महालक्ष्मी मंदिर स्थित संतोषी माता मंदिर में भेंट की है। आइए जानते हैं उन्होंने ये किस तरह का काम किया है। आपने ये राशि किस में भेंट की, काहे के लिए भेंट की है? एक छुरी शांत मेरी हो गई थी, इसके लिए हमने सरकार ने मैंने कागज लगाया था तो पैसे हमको मिल गया 2 लाख रुपया, इसलिए मैंने संतोषी माता 25,000 चढ़ाया। इनका कहना है कि इनको संबल योजना के तहत 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिली थी और उन्होंने उसमें से कुछ राशि गवर्नमेंट की कुछ राशि में से मंदिर के लिए दान की है। कितने की राशि आपने दान की है? 25,000 रुपए। कौन से मंदिर में दान किए? संतोषी माता मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर से? नहीं, संतोषी माता मंदिर में दान किए। अच्छा, तो आपके पुत्री को क्या हुआ था? मेरी लड़की को बीमारी थी, उसको झटके आते थे। अच्छा, तो उनका देहावसान कब हुआ था, कब मृत्यु हुई थी? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले मृत्यु हुई थी। 1.5 साल हो गया। अच्छा, तो ये राशि आपको कहाँ से मिली है? ये अपने को शिवराज सिंह तरफ से मिली है। अच्छा, सरकारी योजना का? सरकारी। अच्छा, तो आपने ये इस तरह का प्लान कैसे बनाया कि भाई मंदिर में दान करना है? मेरी लड़की जैसी उपास चला संतोषी माता का। अच्छा, तो मेरे को भाई उसको उपास चला थी, उसके नाम से मिला पैसे चढ़ा संतोषी माता 25,000। अच्छा, मतलब आपकी हाँ। पुत्री जो संतोषी माता को अच्छी मानती है। हाँ, उपास चला तो उपास की वजह से आपने इस तरह का दान किया, इस चढ़ाए में। अच्छा, आप क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ मैं तो। अच्छा, मजदूरी करते हो? कारागिरों के साथ काम करता हूँ। अच्छा, तो जैसे आपने दान किया तो एकदम दिल साफ खोल के दान किया? साफ खुला। अच्छा, एकदम जराग ने अपनों को सुनिया। अच्छा, और 400 का वो लाया डे कभी। अच्छा, वो दान कर संक्रमण, जैसे कि हर आदमी को पैसे की लगन रहती है लेकिन पैसा दान करने के लिए दिल साफ होना चाहिए और इन्होंने कुछ इसी तरह का काम किया है। ऊन से SW24 दिनेश दसौंधी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।